मैं हेमंत बिस्व शर्मा जी से एक ही बात पे कहना चाहता हूँ कि हेमंत बिस्व शर्मा जी को अगर झारखंड से इतना ही प्रेम है, 1,36,000 करोड़ रुपए जो के हमारे झारखंड के बकाए हैं, वो पैसे तो यहाँ पर झारखंड को दिलाते, अचानक उनका आदिवासी प्रेम उमड़ा है। अपने विधानसभा से, असम के विधानसभा से आदिवासियों को जो चिर परिचित मांग है, उनके जो एक रिलीजियस आइडेंटिटी की बात है, वो सरना धर्म कोड वहाँ से पारित करा के भेज दें, उसके बाद ही उन्हें कोई नैतिक अधिकार है झारखंड के बारे बोलने का, झारखंड के बारे चर्चा करने का। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस रेस हो गई है और दिवाली पर्व होने के बावजूद खुद केंद्रीय महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल और झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और तमाम प्रदेश के नेताओं ने एक बड़ी बैठक तमाम संगठन के लोगों के साथ की। इस बैठक को अहम इस बात से आप समझ सकते हैं कि खुद केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल हुए थे और तमाम प्रदेश के अलावा जिला कमेटी के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में साफ तौर से निर्णय लिया गया और रणनीति तय की गई कि आखिर कैसे चुनाव में प्रचार प्रसार होगा, कौन से केंद्रीय नेता कब किस स्थान पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो साफ तौर पर देखें तो जिस तरह से भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी थी, कांग्रेस जारी किया था, लेकिन कांग्रेस के कौन से नेता कहां सभा करेंगे इससे लेकर अभी संशय था, इस पर साफ तौर से मंथन चला और अब तमाम वह नेताओं का दौरा भी जारी होगा। जिस तरह से देखें तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और कई जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो झारखंड दौरे पर आएंगे। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बता रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं सांसद जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज एक बैठक हुई, खुद केसी वेणुगोपाल पहुंचे, काफी अहम बैठक थी, क्या कुछ चर्चा हो रही है? नहीं, इसके निश्चित रूप आप समझ सकते हैं इस बैठक की कितनी महत्ता थी। दिवाली है, सोराई, उसके बावजूद उन्होंने मीटिंग यहाँ पे लिया, लेकिन ये बैठक एक जो पदाधिकारियों को जो अलग अलग सेक्शन के लोगों से एक बैठक थी, क्योंकि राहुल जी का भी प्रोग्राम यहाँ होना है, प्रियंका जी का भी होना है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रोग्राम होना, तो वेन्यू कॉन्सॉक कैसे हम बेहतर तरीके से, एक राहुल जी ने जो मुहिम छेड़ा है, अभियान जो है संविधान बचाने की, तो ये चुनाव केवल मैं समझता हूँ झारखंड के चुनाव ही नहीं है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। चुनाव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार लगातार भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने के बाद वो जिस प्रकार संवैधानिक संस्थानों का न केवल अपहरण किया है, मरण प्रतिशोध लेने का एक माध्यम भी उन्होंने बना रखा है, और ये झारखंड को उन्होंने एक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उपनिवेश के रूप में देख रही है। आपने देखा होगा हेमंत बिस्व शर्मा जिस प्रकार यहाँ नैरेटिव सेट करने का उन्होंने प्रयास किया है, उनके मुद्दे क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भारतीय जनता पार्टी के, इवन प्रधानमंत्री जी के मुद्दे क्या होते हैं, कब्रिस्तान है, पाकिस्तान है, मुसलमान है, गाय है, गोबर है, गोमूत्र है, मंगलसूत्र है, हमारे मुद्दे इंडिया गठबंधन के मुद्दे क्या है, हमारे मुद्दे हैं अबू आवास, हमारे मुद्दे हैं मैया सम्मान योजना, हमारे मुद्दे हैं सर्वजन पेंशन योजना, हमारे मुद्दे हैं जो सावित्रीबाई फुले योजना, हम वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं निश्चित रूप से, इसलिए पूरी की पूरी यहाँ जो जनता है वो हमारे साथ है। आज भी हेमंत बिस्व शर्मा देवघर में एक सभा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को लात मार रहे हैं। मैं हेमंत बिस्व शर्मा जी से एक ही बात पे कहना चाहता हूँ कि हेमंत बिस्व शर्मा जी को अगर झारखंड से इतना ही प्रेम है, तो 1,36,000 करोड़ रुपए जो के हमारे झारखंड के बकाए हैं, वो पैसे तो यहाँ पर झारखंड को दिलाते, पहली बात। दूसरी बात, अचानक उनका आदिवासी प्रेम उमड़ा है, अपने विधानसभा से, असम के विधानसभा से आदिवासियों को जो चिर परिचित मांग है, उनके जो एक रिलीजियस आइडेंटिटी की बात है, वो सरना धर्म कोड वहाँ से पारित करा के भेज दें, उसके बाद ही उन्हें कोई नैतिक अधिकार है झारखंड के बारे बोलने का, झारखंड के बारे चर्चा करने का। सीटों पर आप लोग दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? नहीं, दोस्ताना संघर्ष नहीं, एक सीटें जरूर बिश्रामपुर और छतरपुर में जो बातें आई हैं वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ, इसके बारे में आज चर्चाएँ हुई है। हम ये प्रयास करें कि अभी 13 तारीख समय है, और बहुत बार होता है कि टेक्निकल रूप से तो हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम प्रयास ये करेंगे इसके आपस में एक प्रॉपर वे में एक इसका समाधान हो जाए। मतलब कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है? नहीं, कांग्रेस पीछे हटने की बात नहीं, मैंने कहा है कि आपस में सहमति के बाद जो बेहतर होगा, जिसमें हम भाजपा को शिकस्त दे पाए, वो निर्णय लिए जाएंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, इसे लेकर रणनीति तय की जा रही है। सुखदेव भगत ने साफ तौर पर भाजपा पर भी जो है आरोप लगाया कि हेमंत बिस्व शर्मा असम को छोड़कर झारखंड आ रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों के दिल बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो आदिवासी बदहाल है। और एक दावा भी
सुखदेव भगत ने किया कि आने वाले दिनों में फिर से महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में रिपीट होगी। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर द न्यूज़ पोस्ट रांची।